और ड्रिंक्स पे कुछ साइंटिफिक स्टडीज अभी आई हैं फिलहाल, उसके बारे में बताना चाहते हैं। एक फ्रेंच स्टडी रिसेंटली आई है कि बहुत से कोला ब्रांड्स हैं फ्रांस के, जिसमें कोक कोला पेप्सी भी शामिल है, उसमें ट्रेसेस ऑफ एल्कोहल पाए गए हैं। तो एक ये कंज्यूमर को जानकारी देना चाहते हैं जो कि एल्कोहल के बारे में बहुत सेंसिटिव हैं, उनको ये जानकारी देना चाहते हैं कि इंडिया में भी जो कोला बनते हैं पेप्सी या कोक कोला, उसमें भी एल्कोहल हो सकता है, ये एक जानकारी है। दूसरी जानकारी इस तरह की अभी रिसर्च आई हुई है, एक अमेरिकन एडवोकेसी ग्रुप है सेंटर फॉर साइंस पब्लिक इंटरेस्ट, उसने एक स्टडी में पाया कि कोला में जो कैरमल कलर यूज होता है, उस कलर में एक केमिकल मिलता है, वो केमिकल कैंसरजेनिक है। उसके उस रिसर्च की फाइंडिंग से कैलिफोर्निया गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है जिसमें कोकोला या कोला बोटल्स की अगर वो केमिकल एक लिमिट से ज़्यादा मिलता है तो कैंसर वार्निंग लिखना ज़रूरी है। उस पर इम्पैक्ट में देखा है कि दोबारा उस एडवोकेसी ग्रुप ने स्टडी किया है कि यूएसए में वो केमिकल उन्होंने मैन्युफैक्चरर्स ने रिड्यूस कर दिया है। तो उसको देखते हुए हम कंज्यूमर वॉइस ने जो इंडिया में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनको भी लिखा है कि इंडिया में भी इस तरह की स्टडी होना चाहिए, अगर ये ज़्यादा पाया जाता है तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए लॉ लाया जाना चाहिए, या मैन्युफैक्चरर्स को कहा जाए कि इसको भी रिड्यूस करें। तो अभी हमें कोई जवाब नहीं मिला है। फिर उन्होंने दोबारा देखा है कि अमेरिका में तो कम हो गया है, उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड से कोला ड्रिंक्स कोक कोला के सैंपल्स लिए, उन्होंने अभी प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें देखा है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी वो केमिकल ज़्यादा है, तो इंडिया को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो हमारी मेन जानकारी, हम कंज्यूमर को जानकारी देना चाहते हैं कि रिसेंट रिसर्च में कोला ड्रिंक्स में एल्कोहल भी पाया गया है, तो जो एल्कोहल में सेंसिटिव है उसका ध्यान रखें। आप अधिक जानकारी के लिए कंज्यूमर वॉइस मैगजीन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर सब्सक्रिप्शन कॉन्टैक्ट 011-4733-1014 या फिर ईमेल करें subscription@consumer-voice.org पर।